नमस्कार दोस्तों, पीसीडीए की तरफ से फाइनल पेंशन रिवीजन टेबल आ चुकी है। सभी पेंशन धारक एक बार जल्दी से जुड़ जाएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा हम अपडेट पर आते हैं। पेंशन रिवीजन टेबल, जो भी पेंशन धारक आरोपी टू लाभार्थी और बेसब्री से असली पेंशन रिवीजन टेबल का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा हम अपडेट पर आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीसीडीए प्रयागराज के द्वारा ये जो ब्लूप्रिंट जो है शेयर किया गया है, फाइनल ओआरओपी रिवीजन पेंशन एंड कैलकुलेशन अप टू जुलाई 2022। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक एक करके जानेंगे सभी पेंशन धारकों की सभी रैंक्स की एक ही वीडियो में और विद एरियर पूरी कैलकुलेशन। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रैंक्स दी गई हैं, क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस इन ईयर्स, बेसिक पेंशन जो आपकी विदाउट ओआरओपी टू है यानी कि ओआरओपी वन की पेंशन, उसके बाद आपकी अपडेटेड पेंशन 2022 की ओआरओपी टू की, और अप्रोक्स जो आपका एरिया रहेगा। रैंक्स आप यहां पर देख सकते हैं, सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल तक आपकी सभी रैंक्स कवर की गई हैं, क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस सभी कवर की गई हैं। अगर आप बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगी कैलकुलेशन और आपकी पेंशन बढ़ोतरी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिपाही रैंक से। सिपाही रैंक 16 साल सर्विस, 16,925 से पेंशन इनकी बढ़ी है 3,050 रुपये, यानी पेंशन बढ़कर हो गई 19,975 रुपये। और एरियर के लिए हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन आपके लिए देंगे, क्योंकि एक डिटेल कैलकुलेशन अगर आपको समझ नहीं आएगा तो ये चीज़ ऐसे ही हम आपको नहीं बता रहे हैं। आपको विद जो प्रूफ है आपको अच्छे से डिटेल्ड कैलकुलेशन है वो समझाएंगे। तो एरियर के लिए अभी जो है स्किप रखते हैं हम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिपाही रैंक 17 साल, 17,129 से पेंशन बढ़कर हो जाती है 21,025 रुपये, सीधे तौर पर 4196 की बढ़ोतरी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नायक रैंक 16 साल सर्विस, 18,427 से बढ़कर इनकी पेंशन हो जाती है 20,175 रुपये, सीधा सीधा आप अपनी बेसिक पेंशन बढ़ोतरी देखें। तो नायक रैंक 17 साल 18,980 से बढ़कर 20,442, उसी के साथ नायक रैंक 22 साल 20,220 से बढ़कर 22,585 रुपये। इसी प्रकार से हम आगे की रैंक्स के लिए भी जानेंगे। दोस्तों, जो भी पेंशन धारक वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथी पेंशन धारकों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर लें, जिससे कि उनको भी ये अपडेट प्राप्त हो सके। तो हवलदार रैंक 16 साल 19,127 से बढ़कर पेंशन हो गई 21,038 रुपये, उसी के साथ आगे देखिए हवलदार रैंक 17 साल 19,530 से बढ़कर पेंशन हो जाती है 21,445 रुपये। एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर क्लेरिफाई कर दें कि जो यहाँ पर डीए अलग से लिखा गया है उसका क्या मतलब है, यानी आपका प्लस का डीए इस चीज़ का क्या मतलब है। तो ये है आपका एप्लीसिएंट डीए डीआर, एट द मोमेंट जब आपकी जो है बेसिक पेंशन बढ़ोतरी के साथ आपको क्रेडिट की जाएगी, उसी टाइम का जो एप्लीसिएंट डीए डीआर रहेगा वही इसमें ऐड होगा अलग से, इस बढ़ोतरी से अलग। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हो गया हवलदार रैंक 24 साल, जो इनकी पेंशन है 20,692 से बढ़कर 23,650 हो जाती है। आगे हम बात करते हैं नायब सूबेदार रैंक। नायब सूबेदार रैंक के लिए 28 साल सर्विस, 29,230 से बढ़कर पेंशन हो गई 31,205 रुपये। आगे की बात करते हैं हम सूबेदार और सूबेदार मेजर रैंक। तो सूबेदार रैंक 29 साल 29,930 से बढ़कर पेंशन हो गई 31,832 रुपये। सूबेदार मेजर 30 साल सर्विस 30,235 से बढ़कर 33,370 रुपये। यहाँ पर आप बढ़ोतरी साफ तौर पर देख सकते हैं सभी रैंक्स की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 साल सर्विस 36,367 से बढ़कर पेंशन हो जाती है 39,443 रुपये। आगे ऑनरेरी कैप्टन की बात करें, 32 साल सर्विस 36,940 से बढ़कर पेंशन हो रही है 41,300 रुपये। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, 25 साल सर्विस 84,329 से बढ़कर पेंशन हो जाती है 94,110। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी आप देख सकते हैं।
जो एरियर बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एरियर पर फोकस करके अच्छे से डिटेल कैलकुलेशन देंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई और ताज़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी पेंशन धारकों को जय हिंद जय भारत।